जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, 19 जून 1966 को अस्तित्व में आई शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर आज महाराष्ट्र में अलग ही सियासी मूड नजर आ रहा है। शिवसेना के पिछले स्थापना दिवस यानी 19 जून 2022 से लेकर 2023 के स्थापना दिवस तक पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, गठबंधन, पिछले एक साल में कितना कुछ बदल चुका है। स्थापना दिवस के अगले दिन शुरू हुई बगावत ने शिवसेना को उस अंजाम तक पहुंचा दिया है जहां से पार्टी दो भागों में बढ़ चुकी है। शिवसेना के पिछले स्थापना दिवस के अगले दिन 20 जून 2022 को विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान था। शिवसेना के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई और यही मतदान उद्धव ठाकरे और उनके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं का संदेश लेकर भी आया। MLC चुनाव की वोटिंग के बाद एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए आउट ऑफ रीच हो गए। शिवसेना के नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब तक कुछ समझ पाते, एक्टिव हो पाते, एकनाथ शिंदे के कुछ विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में होने की खबर आई। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 43 और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ का दावा करते हुए बगावत का भी गुल फूंक दिया। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के पद से हटा दिया तो वहीं शिंदे समेत विधायकों के सूरत से असम पहुंचने के बाद शुरू हुआ होटल पॉलिटिक्स और मान बनवल तीखी बयानबाजियों का दौर। महाराष्ट्र की सियासत और चंद रोज पहले ही सियासत के सफर में 56 साल पूरे करने वाली शिवसेना दोनों ही एक ऐसी सियासी उथल पुथल के गवाह बन रहे थे जिसमें उद्धव ठाकरे की कुर्सी तो गई ही, उनके हाथ से पिता की बनाई पार्टी भी छिन गई। महाराष्ट्र की सियासत में हुए बड़े उलटफेरों के भी 12 महीने पूरे होने के हैं। शिवसेना में बगावत की शुरुआत से लेकर पार्टी पर कब्जे की लड़ाई और अब तक यानी पिछले 12 महीने के सफर में शिवसेना में कितना कुछ बदल गया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पावर बैलेंस किसके पास और किसके पाले में है, इन तमाम सवालों के आज जवाब ढूंढेंगे। एकनाथ शिंदे की बगावत और उद्धव सरकार की विदाई के बाद दोनों गुटों की लड़ाई पार्टी पर आ गई। दोनों ही गुटों ने चुनाव आयोग पहुंचकर पार्टी पर दावा ठोका। चुनाव आयोग ने इस मामले में शिवसेना के नाम, चुनाव निशान, तीर कमान को लेकर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने इस फैसले के पीछे सांसद विधायकों के समर्थन को मुख्य आधार बताया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना UBT के नाम से अलग पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना पर दावे को लेकर फैसले में ये भी जानकारी दी गई थी कि एकनाथ शिंदे गुट के पास 2019 में जीत कर आए शिवसेना के कुल 55 में से 40 विधायकों का समर्थन है, वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास 15 विधायकों का ही समर्थन है। शिवसेना ने 2019 के लोकसभा में 18 सीटें जीती थी। शिवसेना के लोकसभा सदस्यों की संख्या 19 तक पहुंच गई थी। शिवसेना के 19 में से 13 सांसद पार्टी के दो भाग में विभाजित होने के बाद शिंदे गुट के साथ चले गए थे। उद्धव ठाकरे के खेमे में लोकसभा के 5 सदस्य बचे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा की तस्वीर देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पर एकनाथ शिंदे का खेमा भारी है। शिवसेना के विभाजन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा में पार्टी के लिए आवंटित कक्ष की लड़ाई में भी एकनाथ शिंदे का गुट भारी पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा में शिवसेना के लिए आवंटित कक्ष एकनाथ शिंदे गुट को मिल गए थे। हालांकि शिवसेना के मुख्य कार्यालय यानी सेना भवन समेत पार्टी के अन्य सभी कार्यालय शिवसेना UBT के पास हैं। इसके अलावा राज्यों के संगठन में भी शिंदे गुट भारी पड़ा है और 15 में से 12 शिंदे गुट के साथ हैं। आपको बता दें कि शिवसेना का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 15 राज्यों में संगठन था। इन 15 में से 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन शिंदे गुट के साथ हैं। ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई नगर निकायों में शिवसेना के पार्षद भी उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए शिंदे गुट के साथ आ चुके हैं। बड़ी तादाद में शिवसेना के पूर्व BMC पार्षद भी शिंदे की पार्टी से जुड़ चुके हैं। एकनाथ की बगावत के बाद उद्धव ने जिन शिशिर शिंदे को पार्टी का उपनेता बनाया था उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। उद्धव की पार्टी की प्रवक्ता रही मनीषा कायंदे भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में स्थापना दिवस मना रही है तो वहीं शिवसेना UBT ने सेंट्रल मुंबई के सियोन स्थित सन्मुखानंद हॉल को स्थापना दिवस के लिए चुना है। शिवसेना का स्थापना दिवस उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही मना रहे हैं, लेकिन तस्वीर पिछले एक साल से बिल्कुल अलग है। दोनों नेता पिछले साल जहां एक साथ एक मंच पर थे तो वहीं इस बार अलग अलग हैं।
शिवसेना के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में तात्कालीन मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ ही उनकी सरकार में मंत्री और पार्टी के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे भी मंच पर मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। शिवसैनिकों का उत्साह भी लबरेज था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया था, तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि शिंदे के दिल में जो चल रहा है वह पार्टी का नक्शा ही बदल देगा। स्थापना दिवस के अगले दिन यानी 20 जून को एमएलसी सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें विधायक ही मतदान करते हैं। इस मतदान के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे से शिवसेना के नेताओं का संपर्क स्थापित होना बंद हो गया। एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ पड़ोसी राज्य गुजरात के सूरत शहर पहुंच गए। एकनाथ शिंदे के 11 विधायकों के साथ सूरत में होने की खबर और संपर्क नहीं हो पाना, इन सब ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं की चिंता बढ़ा दी। शिवसेना और उद्धव ठाकरे एक्टिव हुए और अगले ही दिन विधायक दल की बैठक बुलाकर शिंदे को पार्टी के विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों के साथ गुजरात के सूरत से असम के गुवाहाटी पहुंच चुके थे। एक तरफ उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेता शिंदे को मनाने की कवायद में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बागी विधायकों की संख्या भी बढ़ती चली गई। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के 43 और 7 निर्दलीय विधायकों की बैठक की तस्वीर शेयर कर 50 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया। बागी गुट ने शिंदे को विधायक दल का नेता चुनने का भी ऐलान कर दिया। इसके बाद शुरू हुई सियासी टशन आज उस अंजाम पर है जहां उद्धव के हाथ से सत्ता तो गई ही, अपने ही पिता की बनाई पार्टी भी नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़।